And so how do you manage that, and how hard or how easy do you think it is to eat healthy? It depends on how important it is in your life. let me put it very simply. If you have a boyfriend or a girlfriend somewhere, and if you were in a relationship somewhere else, and if you had to see this other person, you'd do anything to get there and do that. Yes, sure. Treat your exercise and your diet like that boyfriend and that girlfriend that you really want. Priority. Yeah. Unfortunately, that's... Hello guys, this is Shoaib Bhai. I'm back with another video on my channel. So, today we're going to talk about what Jordan Abraham's diet is. I'm going to make a video on a day on the diet of Jordan Abraham. So, I have made a lot of articles for this video and I got the same diet. And I took this diet from this article, which is coming right on the screen. Meal number one ready hai Jordan Abraham ke diet mein, aur mujhe nahi pata aisa kaun khata hai bhai subah subah breakfast mein. Sweet potato 178 grams. कोई वेट का मेंशन नहीं था लेकिन मुझे जो बाजार में लगा मैं वही स्वीट पोटैटो उठा के लेके आया क्योंकि कोई मिलेगा स्वीट पोटैटो तो आई गॉट 178 ग्राम ऑफ स्वीट पोटैटो उसके साथ चार एग वाइट्स और कॉफी ये ब्रेकफास्ट में कौन खाता है भाई तो चलिए इसको फिनिश करते हैं फिर बात करते हैं 2000 years later तो गाइस मील नंबर 1 खत्म हो चुकी है और इससे तक घटिया ब्रेकफास्ट मैंने बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट मैंने कभी लाइफ में नहीं खाई है खत्म हो चुके हैं सब देख सकते हो तो मानना पड़ेगा जॉन सा जॉन एब्राहम जी कि आप सच में एक बीस्ट हो मैं तो कभी नहीं खा सकता हूँ कभी भी नहीं बहुत खतरनाक डाइट था बॉस तो मील नंबर 1 खत्म हो चुका है मैं इसकी मैक्रोस यहाँ पर दे दूंगा फिर चलते हैं मील नंबर 2 सो गाइस मील नंबर 2 रेडी है जॉन एब्राहम जी के डाइट में और ये मेरे सबसे फेवरेट है इस पूरे डाइट के पार्ट में दूध और वे प्रोटीन इससे ज्यादा टेस्टी और कुछ नहीं हो सकता है सो इसकी मैं मैक्रोज यहाँ पर दे दूंगा जिसके आप देख सकते हो और इसको खत्म करते हैं गाइस फिर बात करते हैं देख सकते हो मील नंबर 2 खत्म हो चुका है और इसको खत्म करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है दूध और वे प्रोटीन इससे ज्यादा बेटर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता बोलते हैं बच्चे का बच्चे को खिलौना मिल गया हो वैसी वाली फीलिंग थी जो भी हो मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ जो भी हो मील नंबर 2 खत्म हो चुका है अब जैसे मील नंबर 3 रेडी है जॉन एब्राहम के डाइट में जो कि लंच सो लंच में मैं ले रहा हूँ जैसे कि उनके डाइट में था चिकन ग्रिल कोई वेट का मेंशन नहीं था तो मैंने 100 ग्राम ऑफ चिकन लिया है विद सब्जी थी तो सब्जी में मैंने लिया है 50 ग्राम ऑफ कैप्सिकम 50 ग्राम ऑफ बीन्स उसके साथ 50 ग्राम ऑफ स्प्राउट जैसे डाइट में था उसके साथ दाल कोई स्पेसिफिक दाल का मेंशन नहीं किया हुआ था सो आई एम टेकिंग मूंग दाल और गाइस इससे घटिया दाल मैंने क्योंकि मैंने खुद बनाया है मेरे घर में एक्चुअली मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं है और कोई भी नहीं मैं अकेले रहता हूँ सो दाल मैंने खुद बनाया था और आई थिंक मेरे घर में कोई आएगा तो मैं दाल जरूर खिलाऊंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस मैं खुद की क्या तारीफ करूँ उसके साथ मेरे पास है रोटी चार रोटी बोले गए थे सो मैंने चार रोटी लिए इसका वेट है अप्रॉक्स 160 ग्राम सो अभी इसको फिनिश करते हैं और मैं आपको डाल कर Day 4 A few moments later Meal number 3 lunch खत्म हो गया कोई चीज नहीं कुछ नहीं सब खत्म और इस मील को ख़त्म करने में मुझे सदियों लग गए यार बहुत ही अच्छा था और उसके बाद बहुत फीलिंग भी था आपके शरीर को बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा अगर आप ऐसी डाइट और एक चीज़ और चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी जॉर्डन एब्राहम के डाइट में कि वो जो डाइट ले रहे हैं आई डोंट थिंक ही इज टेकिंग इट फॉर एनी पर्टिकुलर मूवी और समथिंग बट ये जो डाइट है वो सिर्फ अपने डेली लाइफ में लेते हैं क्योंकि जब आप स्विम कर रहे हो ना तो
आपको एक पर्टिकुलर शेप चाहिए जो कि बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही एक्सट्रीम डाइट करने पड़ती है, लेकिन जब आप मेंटेन करे करे कर रहे हो तो आई डोंट थिंक यू नीड दैट टाइप ऑफ डाइट। सो ये डाइट बहुत ही सिंपल डाइट थी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनका ये डाइट ये लंच लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डाइट बहुत ही अच्छा था। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जॉन एब्राहम सर के बारे में कि थिंक अबाउट दैट कि 38 ईयर्स या 48 ईयर्स के वो एक हैं, लेकिन उनकी आज भी फिटनेस कितनी पीक पे, मतलब कितनी अच्छी है उनकी फिजिक और कितने अच्छे वो लगते हैं। और उसके साथ एक और चीज़ भी कि वी पीपल जो आज के ज़माने के हैं, अगर उनको महीने में एक चीज़ भी ना मिले तो हम लोग तो पागल हो जाएंगे शायद। और ही हैज़ नॉट टेकन अ चीट मील फॉर अराउंड आई थिंक 40 या 80 ईयर्स, ही हैज़ नॉट इवन टेकन अ सिंगल चीट मील, तो दैट्स कमेंडेबल। और इसी वजह से शायद आज वो है जो है वन ऑफ द फिटेस्ट गाइज इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री टुडे, जो कि रहे उनका स्नैक आई थिंक स्नैक है गुना है जो भी हो, मैं चेक करके आपको नेक्स्ट मूवी में मिलता हूँ। ये मेरे तो ख़त्म हो गया है, आप इस डाइट को ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा जो डाइट है इसको मैं एक्सप्लेन करके लिख दूंगा, यू कैन ट्राई दिस डाइट। सो मील नंबर 3 डन, अब मिलते हैं नेक्स्ट। पोस्ट वर्कआउट मिल की जो जॉन एब्राहम लेते हैं, शायद ये पोस्ट वर्कआउट मिले वहाँ पर कोई मेंशन नहीं था, बट इट इज फील विद कार्ब जो मुझे बहुत एनर्जी देगी वर्कआउट के टाइम। सो आई विल टेक इट एज अ प्री वर्कआउट, उसके बाद मैं अपना शोल्डर और आर्म्स का सेशन करूँगा आज। सो इसमें है 50 ग्राम्स ऑफ पोटैटो, मैश पोटैटो, 50 ग्राम्स ऑफ बनाना जो कि मैंने आधा उड़ा दिया है, स्मॉल बनाना था 50 ग्राम्स का, कॉफ़ी और उसके साथ 4 एग वाइट्स। सो दिस द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट प्री वर्कआउट जो आप भी ले सकते हो। सो अभी इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि मैं अभी जिम में क्या कर रहा हूँ। और गाइस एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं जॉन एब्राहम का डाइट के साथ जॉन एब्राहम का ट्रेनिंग भी आप लोगों को दिखा, वो कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, वो कैसी ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, यू हैव टू जस्ट लीव अ कमेंट डाउन बिलो। और एक और चीज़ गाइस, आप टीम एक वाइट हो या फिर टीम फोर लेग, मुझे पर्सनली एक वाइट ना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे आई लाइक फोर लेग मच। सो अब इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट। सो गाइस जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा, ऑलवेज सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, तो ये बचाने के लिए क्योंकि इतना कड़कपन था इसमें, पोटैटो में कोई टेस्ट नहीं था, ब्लैक कॉफी में छोड़ ही दो, एक बाइट में तो और ही कोई टेस्ट नहीं होता है। सो आई सेव दिस बनाना टू सेव मी। सो पोस्ट वर्कआउट मील नंबर 4 डाउन द हैच खत्म, तो अभी करेंगे वर्कआउट। और एक और चीज गाइस, इसको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मस्त पोस्ट वर्कआउट मिल है। सो ये वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट खत्म करने के बाद आपको मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मिल दिखाऊंगा जो जॉन एब्राहम लेते हैं। सो मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट मिल पे। मील नंबर 3 रेडी है, जिसमें है
जो मेरा पोस्ट वर्क और मील है आई डोंट नो ये उनका पोस्ट वर्क और मील है कि नहीं बट आई थिंक इट्स हिज पोस्ट वर्क और मील तो क्योंकि डाइट उस आर्टिकल में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था सो आर्टिकल इज अ पोस्ट वर्क और मील मैं नॉर्मली पोस्ट वर्क और में मील मिल्क अवॉइड करता हूँ बट मील को ख़त्म करना है बॉस तो इसमें 200 ml ऑफ मिल्क और इसके साथ है 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन तो मैं पोस्ट वर्क और में ले रहा हूँ अभी ख़त्म करते हैं और थक गया बहुत अभी दिन से आके थोड़ा सा बात किया और यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है कोलकाता में तो अभी इस मील को ख़त्म करते हैं फिर मैं आपको मिलता हूँ डिनर पे के डाइट में जो डिनर है वो डेडी उसमें है सो आई गॉट 200 grams ऑफ चिकन और उसके बाद चार आटा ब्रेड क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ब्रेड लिखा हुआ था और मैंने इस ब्रेड को लिया इसलिए ब्राउन ब्रेड का भी ऑप्शन था बट यहाँ पर ब्राउन ब्रेड मिल नहीं रहा है तो क्योंकि मुझे यहाँ पर ना सब बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं बाजार से जो मिला वही लेके आया हूँ 4 आटा ब्रेड और उसके साथ आपका 200 grams चिकन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो ही लाइक्स टू टेक 200 grams ऑफ प्रोटीन अ डे सो मैंने एंड आई एंजॉयड बट आई ईट राइट आई ईट अ लॉट एंड आई कंज्यूम ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन माय बॉडी in ratio to my body weight in kilograms. So I weigh at about 95 kilos. So I consume about 190 to 200 grams of protein a day. Okay. That's a lot of protein. That is a lot of protein. Because I work out like a beast. उस हिसाब से इस डाइट को बैलेंस करके I took around 254 grams of protein carbs in total today and this is 200 grams of protein. सो टोटल मैंने टोटल का इसका जो मैक्रोस है मैं ये भी डाल दूंगा और उसका जो टोटल मैक्रोस है पूरे मील का वो भी मैं डाल दूंगा सो चलिए इसको ख़त्म करते हैं फिर बात करेंगे सो गाइस जॉन एब्राहम की डाइट ख़त्म हो चुकी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर लाइक कर देना वीडियो को जरा शेयर चैनल को जरा सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरा शेयर कर देना कि और भी लोगों तक पहुँचे मैं बहुत एफर्ट दे रहा हूँ कि वीडियो की कंटेंट अच्छी आए एंड आई ऑलवेज प्रॉमिस कि कंटेंट हमेशा यूनिक और अच्छी होगी सो और एक चीज़ बात कर रहे थे कि इस जो मेरे मील प्लान जो किया था उसका मैक्रोस कितना था तो अगर मैं मैक्रोस की बात करूँ तो प्रोटीन था 202.59 टोटल में कार्ब 254.6 फैट था 40.91 और कैलोरी था 2109.15 तो मैं बात करूँ तो ये बहुत बैलेंस्ड डाइट है और आई थिंक जॉन एब्राहम अपने फैट्स को बहुत लो रखते हैं ही मेनली फोकस ऑन द कार्ब्स एंड प्रोटीन जो मुझे दिख रहा है इस डाइट फॉलो करने के बाद इट वॉज अ ग्रेट डाइट जो मैंने फॉलो किया बहुत मजा आया मुझे जो भी हो आप इसके बाद कौन सी सेलिब्रिटी की डाइट देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जॉन एब्राहम की ट्रेनिंग देखनी हो तो ज़रूर वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूँगा सो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में